मैं जी शिवजोत कला कला मुंडा जी पहलवाना के खानदान चो पर मैनू ना भलवानी च कोई बहुता इंट्रस्ट नहीं है जी जे ताडी निगाह च कोई सोहनी जी कुड़ी होवे ना तुसीं मैनू जरूर दसना ठीक है जी ओए कॉल सेंटर ते मैं तेरे लिए कुड़ियां दा डाटा इकट्ठा करन नहीं आउंदा राम राम सतीगो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे हम पंजाब एक पंजाब था पंजाब के बाद हरियाणा बना पहले बताया था 1966 में तो मुझे वही फील हुआ जो शायद हमारे पूर्वजों ने फील किया हुआ जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठा था तो जब हम फिल्म के सेट पे थे तो मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं हरियाणा से आर्टिस्ट हूँ और पंजाब के आर्टिस्टों के साथ या टीम के साथ काम कर रहा हूँ सबसे बड़ा थैंक यू एमी भाई का इन्होंने सच में मुझे मतलब नर्वस होने से बचा लिया पहले ही दिन ठीक है डायरेक्टर साहब का धन्यवाद राकेश जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने मैंने जो साथ में सीन किए मेरा नहीं नहीं सोनम जी पता क्या बहुत डेडिकेट आर्टिस्ट हैं सोनम जी मेरे पे ध्यान नहीं रखती थी ये अपनी हरियाणवी पे ध्यान रखती थी अजय जी मेरी करेक्ट है एमी भाई वो ध्यान रखते थे हाँ भाई नॉर्मल कर बढ़िया कर रहा है ठीक है कर लेगा तो मतलब मुझे नहीं लगता था कर पाऊंगा लेकिन शायद राकेश भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं और एमी भाई इन्होंने सपोर्ट किया और मैं मतलब अपना करेक्टर ठीक से शायद पकड़ पाया गुड मॉर्निंग आई थिंक इट्स आफ्टरनून ऑलरेडी राम राम सारिया ने आपका बहुत बहुत थैंक यू आप सब यहाँ आए इतने सारे लोगों को एक साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली मीडिया का बहुत बहुत थैंक यू फॉर कमिंग यू नो व्हेन वी चोज दिस फिल्म जब ये कहानी चुनी थी सुनी और पसंद आई और सेलेक्ट की ये फिल्म बनाएंगे तब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा और ये नहीं सोचा कि हमें एक पैन इंडिया फिल्म बनानी है बस इंटेंशन ये था कि एक अच्छी फिल्म बनानी है और वो बंदे बंदे सेट पे लगने लगा कि यार ये तो पंजाबी और हरियाणवी दोनों लोगों को पसंद आएगी जब बन गई तो लगा ये पूरे इंडिया को पसंद आएगी सो इट वाज नेवर टू यू नो वी डिड नॉट प्लान सो मच बट ऐसे आर्टिस्ट जुड़ते गए इस कहानी के साथ ऐसी टीम जुड़ती गई कि अब वाकई में लगता है कि ये पूरे इंडिया की फिल्म है पूरे हिंदुस्तान की फिल्म है जहाँ भी लोग हमारे लोग हैं जो पंजाबी समझते हैं हरियाणवी समझते हैं जिनको पंजाबी गाने हरियाणवी गाने पंजाबी कल्चर हरियाणवी कल्चर अच्छा लगता है समझ आता है वो ज़रूर देखें वो चाहे चेन्नई में बैठे हों या बेंगलोर में हों हैदराबाद में हों दिल्ली में हों मुंबई में हों सो इट्स फॉर ऑल ऑफ अस एंड विल बी वेरी हैप्पी इफ द फिल्म डज वेल आई थिंक then the growth for the Punjabi cinema will be there automatically, you know. But the intention was never just to get a bigger response. जो debut has a main lead वो मेरे साथ ही थी. So वहाँ से यहाँ तक की journey में I think मैंने एक growth देखी है अभी में मुझ में देखी है. So we From there, I mean, अब तो हम दोस्त भी हैं सिर्फ co-actors नहीं हैं so and if you're friends with somebody, अगर आपका co-star आपके friend जैसे भी हैं तो ये एक help करता है you know there is that comfort when you're performing आपको एक और take चाहिए ये आपको समझ में नहीं आया ये खुद भी आप कह सकते हैं और plus बहुत बार ऐसा होता है कि एमी मुझे कहता है कि हाँ ये अच्छा है या फिर ये और यहाँ पर तू ऐसे कर सकती है सो दैट रियली दैट गिव एंड टेक इज ऑलवेज देयर और कई बार तो अब ऐसा हो जाता है इस फिल्म में हालांकि ऐसा नहीं हुआ एमी को मेरी लाइंस याद होती हैं तो जब मेरा क्लोज लगा होता है तो एमी मेरी लाइंस बोल रहा है अगर मैं भूल जाती हूँ तो वो मेरी लाइंस बोल रहा होता है बिकॉज ही इज वेरी गुड विद रिमेम्बरिंग हिज लाइंस रखता बहुत रखता हेलो मैम सर आपसे अच्छा जी देखो रेसलिंग हरियाणा की बहुत ही मतलब बड़ी सपोर्टर बोल सकते हो मतलब और भी स्पोर्ट्स हैं हरियाणा में बॉक्सिंग है चले और जैसे पहले पंजाब में हॉकी होती थी तो जैसे हरियाणा में बहुत है तो मैं हम जब वहाँ थे तो जब हमारे साथ वहाँ पे 10-12 रेसलर्स एवरी डे काम करते थे या मतलब पाली ने भी किए पुरवाली पहले सो ये मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूँ हमें इज्जत मान प्लेयरों का जितना आपके मन में है उससे 100 गुना ज्यादा कर दो ये एक तपस्या है लिटरली पहलवान बनना कोई छोटा काम नहीं है उसकी एक्टिंग करनी तो मतलब हमें तो मतलब आप सोच भी सकते कितनी डिफिकल्ट लगी होगी एक आध मूव छोटा बड़ा मतलब वो प्रोफेशनली करते हैं वो तो मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ मेरे तो मतलब मन में या मतलब दिल में रिस्पेक्ट कहीं और ज्यादा बढ़ गई है पहलवानों की तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है
हमने तो एक्टिंग करनी थी पहलवानी की, तो उसमें हम चलो एक्टर तो हैं, हम कर लेते हैं एक्टिंग तो, लेकिन डेफिनेटली ये कोई भी प्लेयर है, चाहे वो बॉक्सिंग का प्लेयर है, चाहे वो रेसलिंग, कोई भी सपोर्ट है, कोई भी एथलीट है, मैं उसको बोलता हूँ, मैं तो सैल्यूट करता हूँ, इतनी डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, अपनी बॉडी पे वर्क करते हैं, तो हमारा अगर कोई मेडल लेके आता है कोई बंदा किसी भी जगह पे या कोई भी कप जीत के आते हैं तो उनका सत्कार करना चाहिए, मैं सबको बेनती करता हूँ, आप जितना प्रमोट कर सकते हैं उनको करो, वो हमारे लिए होता है डेफिनेटली। सब तो वड्डी गल जी, सारा लोगों पर डिपेंड करता है, सारा ऑडियंस डिपेंड करता है, जो हरेक सोसाइटी के, चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो टॉलीवुड है, चाहे वो हॉलीवुड है, जो विकता है प्रोड्यूसर जो बनाते हैं, ये सेल्फिश गल है, सच है, ये डार्क गल है, जो विकता उन्होंने वो बनाना राइट, तो यदा विकता क्यों है पंजाब के कॉमेडी या ह्यूमर ये चीज़ा सारिया, बिकॉज पंजाबी तो मतलब जो 3 करोड़ की आबादी है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड राइट, तो 3 करोड़ की आबादी है, और उस तो बाद जो काफ़ी ज़्यादा लोग पंजाबी फिल्म जाके देखते हैं, तो ऑब्वियसली जो फैमिलीज जानगियाँ तो पंजाबी फिल्म के पैसे पूरे होने हैं राइट, एक्शन सारिया चीज़ा सीरियस फिल्म भी बनिया ने बट नहीं, एक साढ़े वाले लोगों को आता है मैसेज मुसेज नहीं देखना चाहते फिल्म, असं सिर्फ एंटरटेन करना चाहते हैं, सूँ जिम्मे मर्जी एंटरटेन करो, हसाओ और वाओ दैट्स इट, असं होर चीज़ा होए पंजाब के काफ़ी मतलब एक्सपैरिमेंट्स भी होए, मैं बहुत किए हैं, तो फेलियर्स भी सी उन्होंने सक्सैस भी सी राइट, तो होर भी मेरे जो वे वीर ने छोटे वीर ने सारे एक्सपैरिमेंट कर रहे हैं, तो आने वाले समय के ऑडियंस ने सारा कुछ हाथ च है, जब वो मतलब एक मतलब प्रॉपर नाप तोल करके आर्टिस्टा दस दो क्योंकि आह चीज़ करनी है आर्टिस्ट विल डू दैट, और डे बाय डे अपना सिनेमा बहुत ग्रो कर रहा है, जो तुम सीरीयसनैस की बात की है गल की है वो हूँ ज़्यादा है, पहला तो जो 80s 90s का सिनेमा बनता से सिर्फ एक्शन से गडासा जट का बदला जट्टी का ये वो, उस तो बाद एक सर्टेन टाइम बाद बनिया हरभजन मान साहब ने 5-7 फिल्मा की बैक टू बैक जी अर्ली 2000 के हुए, फिर उस तो बाद जिन्हें मेरा तजुर्ब किया शुरू हुई जहाँ जिमी भाई का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत पंजाबी सिनेमा के, दैन उस तो बाद अंग्रेज फिल्म आई, फिर पीरियड गन फिल्म बननी शुरू हुई राइट, सो हूँ मतलब जो ब्रांड्स आ वे बन रहे हैं लाइक जट एंजुलेट आ रही है दो वीक बाद अपने दो कुड़ी हरियाणा वाल की, उस तो बाद देखा जाए तो होर आ रही है, सो हर बंदे का एफर्ट होता है कि सिनेमा बड़ा हो गया, कैरिम जट्टा ने 100 करोड़ किया, मस्ताने ने 80-85 करोड़ किया वर्ल्ड वाइड, सो वी आर लिटरली मैं कहना अपने जिन्ना तक वो फास्ट ग्रो नहीं कर रहे जिन्ना आप कर रहे हैं, होफो तो मैं तुम्हें अरदास करो नेरिया लै देंगे बाबा सुख रखे पाँदा देखो जी आते हैं। मेरे कैरेक्टर का नाम है नीलम और पहलवानी खानदान से हैं वो, उनके पिताजी उनके भाई सब इस फील्ड से रिलेटेड हैं, मैं नीलम पहलवानी कर नहीं पाती, अब वो आप फिल्म में देखेंगे क्यों नहीं कर पाती, बट शी इज़ वेरी क्लोज टू दिस होल यू नो शी इज़ वेरी अटैच टू दिस स्पोर्ट, वो चाहती है कि इसको और बढ़ावा मिले और उसकी जो टीम है उसके पापा जिस टीम को कोच करते हैं वो और आगे बढ़े, और उसकी दुनिया में पहलवानी का बहुत बड़ा एक महत्व है उसकी लाइफ में, एंड उसे कभी नहीं सोचा था कि वो एक पंजाबी लड़के से प्यार करेगी, तो बट हो जाता है, तो उसके बाद क्या क्या होता है वो आप फिल्म में देखेंगे, बट एक बड़ी कल्चर से जुड़ी हुई मिट्टी से जुड़ी हुई लड़की है, हरियाणा में रहती है नीलम दहिया, तो वो मेरा किरदार है कि हम फ्लोर पे जाएं, और 3 महीने पहले ही शुरू कर दी थी प्रिपरेशन, सुनीता मैम आते थे मेरे घर पर, मेरी रिहर्सल्स शुरू हो गई थी, सो 2-3 महीना पहले सब स्टार्ट कर दिया था, सो मुश्किल तो था क्योंकि आप कुछ भी गए एक नई भाषा को सीखना उसमें टाइम लगता है, उसमें मेहनत लगती है, लेकिन मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि जो मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि कभी एक हरियाणवी लड़की का कैरेक्टर मिले, क्योंकि पंजाबी लड़की का तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो एक ख्वाहिश थी कि हरियाणवी लड़की का मिले कैरेक्टर करने के लिए, और यकीन मानिए मुझे हरियाणवी भाषा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत कूल है, आई विश। आपका फेवरेट डायलॉग? दिला का बर्गर बना रहे के अभी आया है, ये बड़ा ही क्यूट सा लगता है मुझे, जैसे तक कि अगर कोई लड़का जबरदस्ती किसी को यू नो लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है मैं ये कर दूंगा मेरा दिल आपके पास है आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता, तो वो लड़की आगे से कहती है दिला का बर्गर बना रहे के इबना आती तेरी बात ना मैं नहीं मैं देखो पंजाब नहीं कदम बहर आ सकता, यू कैन टेक अ गर्ल आउट ऑफ पंजाब यू कैन टेक पंजाब आउट ऑफ हर राइट, सो ये तो मेरी बोली है, मैं मतलब ये तो अंदर ही है मेरे, ये बाहर इदा नहीं है कि तो कदम दूर हो सकते हैं, पर यह जरूर आ कि मैं बहुत खुश हाँ कि मैं हरियाणवी सीखी,
ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਤੜਪੇਗੀ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਰੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਊਂ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਚੇਤੇ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ शाहरुख खान जी ने कहा जब आप किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। शाहरुख खान ना आवेगा मेरे बाबू ते तेरी खातर मेरा रिश्ता मांगन। अच्छा शाहरुख खान आ भी गया ना तेरे प्यो ने लंगोट बन के उन्हें भी खाड़े च ले जाना।